अस्सलाम वालेकुम, ओपन सोर्स लिटरेट पाकिस्तान 2020 के आज हम सातवें सेशन में हैं और आज हम एक बहुत मज़े का कंपटीशन डिस्कस करने वाले हैं जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कोलैबोरेट करने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, उनसे नेटवर्क करने के लिए वर्ल्ड वाइड। और वो हमें गूगल ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आप रजिस्टर हो सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं और गूगल हेड क्वार्टर की सैर कर सकते हैं गूगल के खर्चे पे। तो उस कंपटीशन का नाम है हैश कोड, जो आजकल जिसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। ये बेसिकली एक टीम बेस्ड प्रोग्रामिंग कंपटीशन है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स, हर कोई हिस्सा ले सकता है। जो भी अडल्ट है वो इसमें हिस्सा ले सकता है, ठीक है। इसमें करना आपने ये है कि आपने टीम बनानी है। आप दो से तीन बंदों की टीम बना सकते हैं और वो एक ऑनलाइन क्वालिफिकेशन राउंड होगा, उसमें कम्पीट करेंगी। एक गूगल आपको प्रॉब्लम देगा, आपने वो सॉल्व करनी है अपनी मर्ज़ी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आप अपनी मर्ज़ी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्किल्स दुनिया को दिखा सकते हैं। और इसमें एक बात यह है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में, आप अपने वर्क स्पेस में हब रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपका हब जो है वो गूगल पे इनलिस्ट हो जाएगा, तो वो आप मुख्तलिफ टीमें वहाँ गठी कर सकते हैं, एक एज ए सेलिब्रेशन कर सकते हैं इसे। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका शेड्यूल क्या है। इसकी रजिस्ट्रेशंस ओपन है, हब्स की रजिस्ट्रेशंस भी ओपन है और टीम्स की रजिस्ट्रेशंस भी ओपन है। और हब रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट तारीख है 14 फरवरी एंड 17 फरवरी इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन की डेट है। तो तब तक आप अपने हब भी रजिस्टर करा सकते हैं और आप अपना टीम भी रजिस्टर करा सकते हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इस सेशन को सुन रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो अपनी यूनिवर्सिटी को एज ए हब रजिस्टर करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हब रजिस्टर हों तो ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स पार्टिसिपेट करें ताकि हमारे मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। अगर इस वक्त तक पाकिस्तान में 9 हब रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है, और उनकी लिस्ट आ गई है। तो आप अगर अपना हब रजिस्टर कराएंगे तो आपकी लोकेशन की लिस्ट भी इस वेबसाइट पे आ जाएगी और दूसरी टीम्स देख के पार्टिसिपेट करें कर सकेंगी। तो आप कम से कम ये अपना टारगेट बनाएं कि पाकिस्तान में से कम से कम 100 हब रजिस्टर करवा सकें आप। तो अगर हम लास्ट ईयर के कंपटीशन को देखें तो उसमें 70,000 स्टूडेंट्स ने वर्ल्ड वाइड पार्टिसिपेट किया था। और अगर हम पाकिस्तान की टीम्स देखें तो पाकिस्तान से 18 टीम्स ने किया था। तो इस दफ़ा ये ट्रिपल फिगर होना चाहिए, ठीक है। और हमारी जो पहली टीम आई थी वो उसका नंबर था 2 से 78, ठीक है। अगर आप यही फिगर इंडिया का देखें तो इंडिया से तकरीबन 1,000 के करीब टीमें रजिस्टर हुई थी। और उनके पहले नंबर पे आने वाली टीम थी 47th नंबर पे, ठीक है। और ये रशिया की टीम ने जीत लिया था। इससे पहले भी ये कंपटीशन होते रहे हैं, ठीक है। उनमें भी 37,000 स्टूडेंट्स, 26,000 स्टूडेंट्स एंड 17,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये वाले कंपटीशन पाकिस्तान और इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं थे। ये वर्ल्ड वाइड कंपटीशन शुरू हुआ लास्ट ईयर और ये इसका दूसरा साल है। तो आप अपनी टीम रजिस्टर करा सकते हैं, आप अपना हब रजिस्टर करा सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप गाइडलाइन के लिए आर्काइव चेक कर सकते हैं कि लास्ट ईयर कौन सी प्रॉब्लम आई थी, उससे पहले कौन सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम बहुत ही मज़े की आसान सी प्रॉब्लम्स है, मतलब आपको थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग आती है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइक लास्ट ईयर की अगर आप देखें तो उन्होंने आपको एक डाटा सेट दिया हुआ था, ठीक है। उनमें कुछ तस्वीरें थी और उनके साथ उनके लेबल्स थे और उनको एक बड़े मज़े के तरीके से आपने एक स्लाइड शो बनाना था उसका, ठीक है। तो ये आप हेल्प पढ़ सकते हैं और ये आपको देख के पता चलेगा ये कितना आसान था। और मतलब सिर्फ उन्होंने क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की मार्किंग की है और जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो गूगल हेडक्वार्टर गए हैं और उन्हें डेफिनेटली प्राइज़ मनी भी मिला इसमें। तो मैं फिर आपको कहता हूँ कि इसमें आप लाजमी पार्टिसिपेट करें, अपना हब भी रजिस्टर कराएं और अपनी टीम भी रजिस्टर कराएं। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं कंपटीशन हैं, इनसे कोलेब्रेशन बढ़ता है, ठीक है। आपका नेटवर्क भी इंक्रीज़ होता है और आपको अपना लेवल पता चलता है कि क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लास्ट ईयर हमें ये पता चला कि पाकिस्तान की कोई ऐसी टीम भी है जो 278 नंबर पर आ सकती है,
इस दफ़ा हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि टॉप 10 में हमारी टीम आ जाए या टॉप 100 में आ जाए. लाइक लास्ट ईयर 18 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, तो इस दफ़ा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 100 से ज़्यादा टीमें पार्टिसिपेट करें, 100 से ज़्यादा हब्स हों. तो इसी तरह हम ग्रेजुअली प्रोसीड करेंगे. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.